वासना क्या है, जीवन ऊर्जा को अकाम तक कैसे पहुंचाएं, क्रोध से कैसे मुक्त हों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वासना क्या है? प्रत्येक मनुष्य वासनाओं से भरा है, वह वासनाओं को भोगना चाहता है, अपने जीवन में वासनाओं के महत्व को समझना चाहता है, अकेले में वासना के शीर्ष पर पहुंचना चाहता है, परंतु लोगों से यह पूछता है कि वासनाओं से कैसे मुक्त होया जाए। तो वासनाओं से मुक्त होने के लिए सबसे पहले वासना क्या है इसे समझना होगा। वासना का अर्थ है भविष्य में जीने की इच्छा, लेकिन मनुष्य यह जानता ही नहीं कि जीवन तो वर्तमान में है, अभी है, यही है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने भविष्य में जीने की इच्छा को अपने अंदर आत्मसात किया, वह हमेशा बाहर की तरफ बहता रहेगा और उसकी यह जीवनी ऊर्जा खोती रहेगी, छीण होती रहेगी। भविष्य की चिंताएं हमारी इस जीवनी ऊर्जा को नष्ट करती जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों में भविष्य के लिए चिंताएं विद्यमान होती हैं, वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर नजर आते हैं, उनके भीतर आकर्षण खत्म हो जाता है। और वहीं वे व्यक्ति जो वर्तमान में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, उनके भीतर ऊर्जा संग्रहित होने लगती है और उनका आभा मंडल खिला हुआ रहता है, वे शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को अकाम तक ले जाना है, परम ब्रह्म की ओर ले जाना है, ब्रह्मचर्य की ओर ले जाना है, और जिसे अपनी ऊर्जा को स्वयं तक पहुंचाना हो, उसे भविष्य की चिंताओं, भविष्य की कामनाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देना चाहिए। उसे अपने अंदर इस बदलाव को लाकर अभी, यहीं, प्रेजेंट, वर्तमान में जीना चाहिए। प्रेजेंट में जीने का अर्थ है कि यदि आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना ही खाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं और फिर आप ऑफिस के बारे में सोचने लगे। आप सिनेमा हॉल में गए हैं तो आप मंदिर के बारे में सोचने लगे। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप कार्य बन जाइए। ऐसा नहीं, आप कार्य कर रहे हैं कुछ और आप सोच रहे हैं किसी और के बारे में। प्रतिपल आप जहां हैं पूरे होने की कोशिश करें, तभी आप अपनी इस जीवनी ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं, अन्यथा यह ऊर्जा छीण होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी यह ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं कि ऐसा करना बहुत कठिन होगा, परंतु प्रतिपल के अभ्यास से आप न जाने क्या क्या बदल सकते हैं। तो क्या आप अभ्यास से वर्तमान में नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी संभावनाएं हैं, वे सभी संभावनाएं मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं। ऐसा कर पाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि हम सदा जहां होते हैं वहां होते ही नहीं। हम ऑफिस में होते हैं तो हम घर के बारे में सोचते हैं, किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं। मंदिर गए हैं तो भी हमें ऑफिस की टेंशनें घेरे हुए हैं। मूवी देखने गए हैं तो मन में कुछ और ही विचार आ रहे हैं। यानी जहां आप होते हैं वहां आप वास्तव में होते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा वासनाओं से भरा यह मन एक बार में न जाने कितने ही चीजें करना चाहता है। यदि हम अपने अंदर ऐसी स्थिति प्रकट कर लें कि हम जहां हैं वहीं के बारे में सोचें, तो हम अपनी इस जीवनी ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। यदि व्यक्ति धीरे धीरे यहीं वर्तमान में, प्रेजेंट में जीने के लिए समर्थ हो जाए, तो उसे जो आनंद मिलेगा वह आनंद कहीं और है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि के समस्त आनंद तो व्यक्ति के भीतर ही हैं। यदि व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वह कार्य ही बनकर रह जाए, तो उससे मिलने वाला आनंद वासनाओं में भी नहीं है, किसी स्त्री में भी नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, ज्यादातर जब हम भोजन करते हैं तो हम भोजन नहीं करते, बल्कि कभी मोबाइल ऑपरेट करते हैं, कभी किसी से बातें करने लगते हैं। हमारा ध्यान तो भोजन पर होता ही नहीं, परंतु जिस दिन आपने ध्यान से भोजन कर लिया, तो भोजन में जो आनंद मिलेगा वह आनंद कभी मिला ही ना होगा। देखिए, समस्याएं वासनाओं में नहीं हैं, समस्याएं तो हमारे भीतर हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम वही नहीं हैं। अर्थात हम जो कर रहे हैं
यदि हम वही हो जाएं तो दोबारा हमें वह करने की जरूरत ही ना पड़े। यदि आप क्रोध कर रहे हैं और आप क्रोध ही हो जाएं तो शायद दोबारा हमें क्रोध करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब भी हम कोई क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर आत्मग्लानि का भाव आ जाता है। हमें यह लगने लगता है यह पाप है, गलत है। अंदर ही अंदर क्षमा की याचना करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम क्रोध भी पूरा नहीं बन पाते और इसी वजह से हमें बार बार क्रोध आता है। बहुत से लोग तो प्रेम का दिखावा करते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, परंतु जब प्रेमी से मिलते हैं तो फिर कहीं और के बारे में ही सोचने लगते हैं। जिस प्रेमी से मिलने के लिए न जाने कितने जप तप करे, जब उससे मिलते हैं तो किसी और के बारे में ही सोचने लगते हैं, उस प्रेमी को भूल जाते हैं, एक नई वासना अंदर विकसित कर लेते हैं, उस उधेड़बुन में लग जाते हैं। और बहुत तो ऐसे धनी भी हैं जिन्होंने धन को इकट्ठा करने के लिए वर्षों खपा दिए, अपना जीवन खपा दिया, जवानी खपा दी, और जब उन्हें धन मिला तो धन को तिजोरी में बंद करके बाहर बैठ गए। अरे जिस धन की प्यास थी तुम्हें, वह धन तो तुम्हें मिल गया ना, अब उसे खर्च करने की बजाय तुम किसी और ही उधेड़बुन में लग गए। इन सब का केवल एक ही कारण है और वह कारण है भविष्य की चिंता। हम भविष्य की चिंताओं में ही रमे रहते हैं, उसमें ही मरना चाहते हैं। वर्तमान जीने की प्यास है हमारे अंदर, लेकिन हम वर्तमान को जी ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक भविष्य की चिंताएं, भविष्य की वासनाएं तुम्हारे भीतर से नहीं निकलेंगी, तुम वर्तमान में जी ही नहीं सकते, कभी खुद हो ही नहीं सकते, केवल भविष्य बनकर रह जाते हो। और भविष्य तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे तुम भविष्य में आगे बढ़ते जाते हो, वह सब तो वर्तमान हो जाता है। केवल तुम्हारे भीतर की लालसा, तुम्हारे भीतर की वासनाएं इस इंतजार में बैठी रहती हैं कि मैं भविष्य में यह करूंगा, भविष्य में जब मैं इतना धन इकट्ठा कर लूंगा फिर मैं ऐसी जीवन जीऊंगा। लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि भविष्य का अस्तित्व है ही नहीं। भविष्यवादी व्यक्ति मृत्यु के गर्त में गिरता चला जाता है और वह भविष्य कभी आता ही नहीं। व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को संग्रहित करना चाहता है, अपने अंदर की यात्रा करना चाहता है, आध्यात्म की यात्रा करना चाहता है, ब्रह्मचर्य की यात्रा करना चाहता है, लेकिन भविष्य की चिंताओं में अपनी उस जीवनी शक्ति को खो देता है, जिसके बिना ना तो आध्यात्मिक यात्रा संभव है, ना ही ब्रह्मचर्य की यात्रा। जब तक आप वर्तमान में जीना शुरू नहीं कर देते, तब तक आपकी यह जीवनी शक्ति संग्रहित नहीं हो सकती। बिना इस शक्ति के संग्रहण से आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, वर्तमान में जीने के लिए वर्तमान को समझना होगा। हमारा यह वर्तमान सर्कुलर है, लेकिन हम इसे नदियों की भांति सीधा मानते हैं। जिस प्रकार नदियां वन डायमेंशनल होकर सागर की तरफ भागती जाती हैं, उसी प्रकार हमारा यह जीवन हो चला है। हम भविष्य में कुछ पाने की चाहत में उसकी तरफ सीधा भागते जा रहे हैं, और जिसके कारण हमारी यह शक्ति क्षीण होती जा रही है। जिस दिन आपने अपने वर्तमान को तालाब की भांति समझ लिया, समझ लीजिए आपने वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दिया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके और प्रश्नों पर भी वीडियो